हेलो एवरीवन, आई एम संगीता एम चौहान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत बाइनरी फाइल। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल में रीड करना और राइट करना जाना था, तो आज हम बात करेंगे बाइनरी फाइल में कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, यानी रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फाइल। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनरी फाइल में जो भी डेटा होता है वो नॉन रीडेबल होता है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है और बाइनरी फाइल में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, जबकि टेक्स्ट फाइल में होता है। और जब हम इस फाइल को रीड करेंगे तो जो डेटा आएगा वो बाइट्स के फॉर्म में आता है। ठीक, तो जनरली ये फाइल्स किस तरह के फाइल को यूज़ करती है, जिसमें नॉन टेक्स्ट फाइल होती हैं, जिसमें नॉन टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है, जैसे कि इमेजेस या पीडीएफ फाइल या ईएक्सई फाइल। तो इस तरह की फाइल्स को डील करने के लिए हम बाइनरी फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने लिस्ट राइट कराना चाहिए। तो हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ हमने ओपन किया, फाइल का नाम रखा हमने बाइनरी फाइल, बाइनरी को राइट मोड में खोला और साथ में हमने बी दिया है, दैट मीन्स वी वॉन्ट टू राइट अवर डेटा इन बाइनरी मोड। और फाइल का रेफरेंस हमने बना लिया न्यू फाइल। अब हमें करना क्या होगा, जब हम इस लिस्ट को राइट करेंगे तो राइट करते समय हमें इसे बाइट एरे में कन्वर्ट करना है। बाइट एरे में कन्वर्ट करने से ये जो लिस्ट है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइल में राइट हो जाएगी। देन हमने फाइल को क्लोज कर दिया। सिमिलरली जब हम इस फाइल को रीड करेंगे, हमने कौन सी फाइल बनाई थी, बाइनरी फाइल। इस फाइल को जब हमें रीड करना है तो हम बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे और रीड मोड इन बाइनरी। अब हमें क्या करना है, हमारा सिंपल सा सेंटेक्स क्या था कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसके संग हम रीड यूज करते हैं रीड करने के लिए कंटेंट्स को, लेकिन जो रीड करेंगे वो डेटा आएगा हमारे पास बाइट्स के फॉर्म में, और जबकि हम क्या चाहते हैं लिस्ट के फॉर्म में, तो हम इसे कन्वर्ट करा देंगे लिस्ट में। तो लिस्ट के अंदर हमने दे रखा है न्यू फाइल डॉट रीड, यानी ये जो कंटेंट रीड करेगा इस कंटेंट को लिस्ट फंक्शन लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर कर देगा लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिस्ट वन में जो कंटेंट्स आया उसको प्रिंट करा दिया। अब ये जो हमने यहाँ लिखा है फाइल क्लोज, जो फाइल का ऑब्जेक्ट है और डॉट क्लोज लिखा है, ये स्टेटमेंट हम चाहें तो प्रिंट के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट थे हमारे पास आ चुके हैं, आने के बाद हम पहले फाइल को क्लोज कर दें फिर लिखें, या पहले हम स्क्रीन पर लिख दें फिर क्लोज करें, इसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि पीडीएफ फाइल को किस तरीके से रीड या राइट किया जाता है। ठीक, तो यहां पर हमने एक पीडीएफ फाइल ली है न्यू 11.1.pdf, इसमें हम करने जा रहे हैं राइट। ठीक है, किसे राइट करने जा रहे हैं, फाइल का नाम है कंप्यूटर साइंस अंडरस्कोर न्यू 11.pdf, इसको हमने रीड मोड में ओपन किया है। हम क्या चाहते हैं कि इस फाइल के कंटेंट्स ऊपर, ये जो फाइल न्यू फाइल है इसमें राइट हो जाए, तो हमने फाइल को किसमें खोला है, रीड मोड में लेकिन बाइनरी में, और ऊपर वाली फाइल को खोला है राइट में लेकिन बाइनरी में। अब क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है तो अब हमने इसको रीड किया फाइल 2.read, पीडीएफ फाइल होने की वजह से हम टेक्स्ट मोड में इसको रीड नहीं करा सकते थे, तो हमने इसको रीड कराया है बाइनरी फाइल में। तो इसको रीड कराने से फाइल 2 के कंटेंट्स रीड हो गए और किसमें आ गए, बाइनरी कंटेंट नाम के वेरिएबल, हमने लिया है बाइनरी काउंट। इस फाइल को किस में राइट कराना है, ऊपर वाली फाइल में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है फाइल, तो हमने लिखा फाइल डॉट राइट और जो भी हमने इसमें रीड करा था कंटेंट वो यहां पर राइट कर दिया, और आफ्टर राइटिंग दोनों फाइल्स को हमने क्लोज कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि जो पहली वाली फाइल के कंटेंट्स थे इस वाली फाइल के, ये हमारी पहली फाइल हो गई, ये दूसरी फाइल हो गई, इसमें ये राइट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हमें कोई इमेज फाइल को रीड करना है और राइट करना है तो सेम हमने यही लिया, हमारी फाइल वन है ट्री डॉट जेपीजी और जो दूसरी फाइल है दैट इज न्यू ट्री डॉट जेपीजी, यानी इस पहली फाइल के कंटेंट्स को हम दूसरी फाइल में राइट करने जा रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फाइल वन को हमने रीड किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया
और फाइल टू के ऑब्जेक्ट में, जो न्यू फाइल हमने बनानी थी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने राइट कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप आपके फोल्डर में जाके देखोगे तो आपको इस नाम की भी जेपीजी फाइल दिखाई देगी। ये फाइल तो है ही आपकी पहले से बनी हुई, और आपने जो इस फाइल की कॉपी बनाई थी इसमें, वो भी आपको दिखाई देगी। यानी आपके पास दो जेपीजी फाइल आपको दिखाई देंगी। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल में भी था कि दो आपकी पीडीएफ बन जाएंगी। नाउ अब हम लिस्ट को नॉर्मली राइट करा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर फाइल को ओपन किया है। फाइल नेम इज माई फाइल, और इसको हमने लिखा है W+B। W मतलब राइटिंग, राइट किस में था, बाइनरी मोड में, और साथ में प्लस लिखा है, दैट मीन्स एट द सेम टाइम वी कैन रीड द कंटेंट्स ऑल्सो। जो भी हमारे कंटेंट है, राइट तो कर ही रहे हैं, साथ में हम रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने क्या लिया है, एक लिस्ट ली है। इस लिस्ट का नाम रखा बाइट _AR। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस बाइट _AR नाम की जो लिस्ट है इसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया। बाइट एरे में कन्वर्ट करने के बाद वेरिएबल जो हमने लिखा, वेरिएबल नेम इज बाइनरी फॉर्मेट, क्योंकि ये जो डेटा कन्वर्ट हुआ है वो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो हमने वेरिएबल का नाम भी यही रख दिया। और अब हमने इस फाइल में राइट कर दिया बाइनरी फॉर्मेट कंटेंट को। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्मेट में क्या है, लिस्ट इन बाइनरी फॉर्मेट है। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी ये फाइल थी, अभी आपने ये लिस्ट राइट की, तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पर राइट हो गई, मगर ये बाइनरी फॉर्मेट में राइट हुई। तो कर्सर आपका कहाँ पर, यहाँ पर है। हम इस इन 3 लाइन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पर देख सकते हैं कि हम रीड करना चाह रहे हैं। यदि हम इस कर्सर अभी इस जगह पर है, और यदि हम यहाँ से रीड करेंगे तो इसको आगे का रीड करेगा, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है डेटा में। हमें रीड कहाँ करना है, स्टार्टिंग में आके स्टार्टिंग से रीड करना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, f.seek। सीक से क्या होता है, कर्सर को हम अपने मनचाहे लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं। जीरो किस लिए था, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे जाएगा 0 bytes पर, और क्या करेगा, यानी स्टार्टिंग में पहुंच गया। और अब हमने कहा रीड करो, फाइल से रीड करो और उसे किस में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में। तो लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, ये जो हमने लिस्ट राइट की थी, हमने 2 4 6 8 10, ये हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग सीक्वेंसेस विथ मिक्स्ड डेटा टाइप फ्रॉम और टू बाइनरी फाइल। अभी तक हम पहले भी एग्जाम्पल में हमने लिस्ट को भी राइट किया, अभी भी हम आगे एग्जाम्पल में भी लिस्ट को राइट करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हम लिस्ट को राइट कर रहे थे या रीड कर रहे थे, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टू बाइनरी एरे, और जब हमने रीड किया और प्रिंट कराने के पहले हमें उसमें कन्वर्ट कराना पड़ा। लेकिन पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है एक मॉड्यूल जिसका नाम है पिकल। ये कन्वर्जन वाला जो काम है ये खुद से कर लेता है ऑटोमेटिकली। जब भी हमें रीडिंग और राइटिंग करना है तो कन्वर्जन यहाँ पर नहीं करना होता। ठीक, तो हमारे पास पिकल के दो फंक्शन है जिसे हम पढ़ेंगे, पिकल डॉट डम्प और पिकल डॉट लोड। डम्प क्या करता है, डम्प का काम है फाइल में राइट करना, ठीक, और लोड का काम है फाइल में रीड करना। ठीक, लोड यानी वहां से लोड हो रहा है डेटा, और डम्प यानी हम फाइल में डंप कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो उसका सिंटेक्स देख लेते हैं, हमें क्या करना है, पिकल डॉट डम्प। पिकल डॉट डम्प के बाद जिस ऑब्जेक्ट को राइट करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, और जिस फाइल में राइट करना है उस फाइल का नाम आएगा। तो मान लीजिए हमारी कोई लिस्ट है, तो लिस्ट हम यहाँ लिख देंगे जिसको हमें राइट कराना है, और कोई फाइल वन में राइट कराना है, F1 फाइल है हमारी, तो F1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से लोड, हमें किस फाइल से कंटेंट्स लोड करने हैं उस फाइल का ऑब्जेक्ट हम लोड में पास कर देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ तक के एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्ट पिकल, हमें मॉड्यूल को पहले इम्पोर्ट करना होगा, इसके बाद हमने एक लिस्ट लिए और फाइल को खोला माई फाइल डॉट टी एक्स टी। इसको किस में खोला हमने, राइट इन बाइनरी मोड, हमने राइट मोड में प्लस बाइनरी मोड में खोला। अब देखिए हमने जो डेटा लिस्ट है जो है इसको कन्वर्ट नहीं करा रहे, हमने कहा इस माई लिस्ट को एफ में राइट कर दो। पिकल डॉट डम्प के थ्रू हम क्या कह रहे हैं, एफ में राइट करा रहे हैं माई लिस्ट को विदाउट कन्वर्जन, क्योंकि जो डम्प फंक्शन है पिकल का वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कर लेगा। पिकल में यही आपकी स्पेशलिटी है कि अब वो डेटा कन्वर्जन खुद से करेगा। और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, सेम फाइल को रीड करना चाहा हमने,
सेम फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको हमने रीड मोड में ओपन किया, रीड इन बाइनरी मोड, और सिंपल सा हमने लिखा पिकल डॉट लोड, और लोड में हमने दे दिया एफ। एफ क्या है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, यानी फाइल से कंटेंट रीड हो जाएंगे और किस में आ जाएंगे माई लिस्ट में। फिर हमने आउटपुट दे दिया लिस्ट इन फाइल इज, और जो भी माई लिस्ट में था वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया लिस्ट इन फाइल इज, और ये पूरा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब यहाँ पर हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हमें कन्वर्ट करने के लिए ध्यान नहीं रखना कि डेटा किस में कन्वर्ट होगा और कैसे होगा। अब देखिए हम सेम प्रोसीजर से एक डिक्शनरी को राइट करा रहे हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी हमने ली जिसमें हमारी पहली एलिमेंट है की वैल्यू है लिस्ट वन, और उसमें हमारी ये लिस्ट हमने डेटा वैल्यू डाल दी है। लिस्ट टू हमारी दूसरी की है, उसका डेटा ये है। थर्ड की वैल्यूज ये है। हमने सिंपल से फाइल को खोला माई फाइल टू डॉट टी एक्स टी, राइट मोड में खोला और बाइनरी में खोला, और सिंपल से डंप करा दिया। किस में डंप कराया? माई डिक्शनरी को एफ में। बहुत सिंपल, इससे हमारा इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल तरीके से लिखने हैं, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें वो राइटिंग कर देगा। और सेम वे में हमने इसको रीड किया, रीड करा और पिकल से डॉट लोड से, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया कि माई फाइल इज माई डिक्ट, माई डिक्ट में जो डेटा हमारे पास लोड करने से आया था वो हमने प्रिंट करा दिया, देन फाइल को क्लोज कर दिया। तो जो इसका आउटपुट है आप देख सकते हैं आ गया माई डिक्शनरी इन फाइल इज लिस्ट वन, ये पूरी की पूरी हमारी डिक्शनरी आ गई। तो आइए अब देखते हैं हम कि दो डिफरेंट टाइप की डिक्शनरीज को फाइल में कैसे राइट या रीड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल वाली डिक्शनरी ले रखी है, और सेम वे में हमने एक दूसरी डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने ले रखा है रोल नंबर एंड नेम, और दो डेटा ले रखे हैं हमने वन टू एंड मनस्वी दिव्यादित। यहाँ पर हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया, राइट इन बाइनरी में, देन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं पिकल डॉट डंप। पहले स्टेटमेंट में माई डिक्शनरी वन को हम एफ में राइट करा रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट में माई डिक्शनरी टू को एफ में राइट करा रहे हैं। माई डिक्शनरी वन अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, माई डिक्शनरी टू अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, मीन्स है तो दोनों डिक्शनरी टाइप के, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेट है वो और जो साइज है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को हमने राइट कर दिया फाइल में, और फाइल को हमने कर दिया क्लोज। अब फाइल में कंटेंट्स राइट हो चुके हैं, अब जो हमें रीड करने हैं, तो फाइल को हमने ओपन किया रीड मोड में, देन हमने लिखा पिकल डॉट लोड एफ। पिकल डॉट डॉट लोड एफ से क्या होगा, जो पहला ऑब्जेक्ट फाइल में होगा वो रीड होके किसमें स्टोर हो जाएगा, माई डिक्ट वन में, और इसे हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सिमिलर वे में हमने जब दोबारा से लोड एफ लिखा, तो इस बार क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट रीड होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट रीड होके किसमें आ गया, माई डिक्ट टू में। ये दोनों वेरिएबल हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसे सेम लिए, हम अलग भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और हमने प्रिंट करा दिया माई डिक्शनरी टू इन फाइल इज माई डिक्ट टू। अब इसका आउटपुट देखें, दोनों जो हमारी डिक्शनरी थी वो एज इट इज प्रिंट हो गई, इसके फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं आया, जबकि हमने क्या किया था, इसको अलग अलग फॉर्मेट में राइट किया था, तो जो पिकल का काम था उसने ऑटोमेटिकली उसको सूटेबल हिसाब से, डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली सूटेबल सीक्वेंस के हिसाब से उसने कन्वर्ट किया और राइट किया और सिमिलर वे में रीड किया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे आने वाले वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स की बात करेंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। आपको और भी रिटर्न कंटेंट्स देखने हैं तो मेरे ब्लॉग पाइथन क्लासरूम डायरी डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम को विजिट कर सकते हैं, और अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है तो ऑनलाइन क्विजेज और वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी टेस्ट पाइथन नॉलेज डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम पर।